हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। SOL ने इंटरनल असेसमेंट सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर मई जून 2024 सेशन UG प्रोग्राम के लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस रिलीज़ कर दी हैं और जो डेट्स हैं वो भी रिलीज़ कर दी हैं। इंटरनल असेसमेंट सभी UG प्रोग्राम के दोस्तों 4 मई से 18 मई के बीच करवाए जाएंगे। कुछ असेसमेंट 29 अप्रैल से शुरू हो रहे थे और पिछले एक दो दिनों में काफ़ी बच्चे परेशान हुए कि सर पोर्टल पर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं, तो वो अभी शो नहीं होंगे। 4 मई से 18 मई के बीच इंटरनल असेसमेंट करवाए जाएंगे। 4 और 18 डेट भी इंक्लूड है, तो उसी टाइम पर आपको असेसमेंट करने होंगे। हो सकता है 2-3 तारीख से भी पोर्टल पर शो होना शुरू हो जाए सब्जेक्ट, लेकिन आप अटेम्प्ट 4 से 18 के बीच ही करिएगा। ये डाउट क्लियर? सभी UG प्रोग्राम के 4 से 18 मई के बीच सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट होंगे। इंटरनल असेसमेंट को देने के लिए आपको 2 चांस दिए जाएंगे, जैसे प्रीवियस सेशन में दिए जा रहे थे। बेस्ट ऑफ 2 स्कोर आपके कंसिडर होंगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का असेसमेंट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 45 मार्क्स आए, सेकंड अटेम्प्ट में 56 मार्क्स आए, तो आपके 56 ही काउंट होंगे। या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 मार्क्स आए, सेकेंड अटेम्प्ट में 52 आए, तो 60 मार्क्स ही आपके काउंट होंगे। कुल मिलाकर हर सब्जेक्ट के 2 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, जैसे प्रीवियस सेशन में मिल रहे थे। और ये जो 2 अटेम्प्ट हैं, ये जो असेसमेंट हैं आपके हर एक सब्जेक्ट के, 4 से 18 मई के बीच किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप कर सकते हो। आपको मान लीजिए एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट के असेसमेंट देने हैं, आप बिल्कुल दे सकते हो, कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। या फिर आप अल्टरनेट डेज में देना चाहते हो अपनी सहूलियत के अनुसार, आप दे सकते हो। यानी कि ये 15-16 दिन आपके पास हैं, इन 15-16 दिन के अंदर किसी भी समय किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट आप लोग दे सकती हो। एक सब्जेक्ट का असेसमेंट देने के लिए 45 मिनट आपको मिलेंगे, डिसेबल कैंडिडेट को 90 मिनट्स दिए जाएंगे। दोस्तों इंटरनल असेसमेंट देना कैसे होता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने प्रीवियस सेशन में बनाई थी, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोशिश करूंगा कि एक और सेपरेट वीडियो बना दी जाए, बट स्टिल वो वीडियो इनफ है मेरे हिसाब से, आप उस वीडियो को जाकर देख सकती हो। अब यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट जो है दोस्तों, ये प्रज्ञान पोर्टल पर ही आपके होंगे एज यूजुअल। और प्रज्ञान पोर्टल पर जो पहले की आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड था, उसी के थ्रू लॉगिन करके आप असेसमेंट दोगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। पासवर्ड रीसेट करोगे, जो भी आपकी यूज़र आईडी है वो डालोगे वहाँ पर, और उसकी मदद से आपकी ईमेल आईडी पर रीसेट करने का लिंक आएगा। उस लिंक के थ्रू नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो आप और लॉगिन कर सकते हो। जब भी आप प्रज्ञान पोर्टल पर लॉगिन करो तो यूज़र आईडी तो आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, लेकिन पासवर्ड खुद से टाइप करके डालना, चाहे कितना भी बड़ा पासवर्ड आपने बनाया हो, कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से अपने मैन्युअली टाइप करके पासवर्ड डालना। कई बार कॉपी पेस्ट करने में वो पोर्टल लॉगिन नहीं होता, वो एरर दिखाता है, ग्लिच दिखाता है, डिसेबल दिखाता है, तो ये करना। अगर फिर भी आपसे पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा, या रीसेट कर लिया उसके बावजूद भी लॉगिन नहीं हो रहा, या पासवर्ड रीसेट करने का लिंक ही आपके पास रिसीव नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन में ईमेल आईडी गिवन है, इस बार कुछ नई ईमेल आईडी भी दी गई हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वो ईमेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये पोर्टल का सारा चक्कर है। 2 चांस मिलेंगे, बेस्ट ऑफ 2 आपके कंसिडर होंगे, दोनों में से जो बेस्ट होंगे, और किसी भी टाइम किसी भी वक्त अपने सहूलियत के अनुसार आप असेसमेंट दे सकते हो। 4 से 18 मई के बीच 45 मिनट मिलेंगे आपको एक सब्जेक्ट को देने के लिए। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके अलावा दोस्तों, अच्छा, जो पोर्टल पर असेसमेंट शो होना शुरू होंगे वो 4 से 18 मई के बीच होंगे, पहले भी हो सकते हैं 2 दिन, बट जो डेट है उसी के हिसाब से आप दीजिएगा। जो इंटरनल असेसमेंट का पोर्टल है दोस्तों, वो काफ़ी सेंसिटिव पोर्टल है, काफ़ी सिक्योर पोर्टल है। जब भी आप असेसमेंट देने बैठो तो उस असेसमेंट को जिस भी डिवाइस से आप कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से, उस समय उस पर्टिकुलर डिवाइस में वही विंडो ओपन होनी चाहिए जो असेसमेंट की। एक बार आपने असेसमेंट स्टार्ट कर दिया, चाहे मज़े मज़े में ही क्यों ना हो, तो वो स्टार्ट हो गया जनाब, उसको आपको 45 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ऐसा ना हो कि सर मैं चेक कर रहा था कि चल रहा है या नहीं, ऐसा नहीं है जी, वो मॉक टेस्ट की कहानी ख़त्म हो गई। अगर मॉक टेस्ट शो हो पोर्टल में तो उसका अलग से लिंक होगा, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। एक्चुअल सब्जेक्ट को आपने स्टार्ट कर दिया तो वो स्टार्ट हो गया, फिर वो 45 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। और मैं आपसे ये बोल रहा था कि पोर्टल काफ़ी सेंसिटिव है, तो आप जिस भी विंडो से, जिस भी ब्राउज़र या मोबाइल फ़ोन से असेसमेंट दोगे, उस टाइम पर आपका सिर्फ वही पोर्टल खुला हुआ होना चाहिए। अगर आप चीटिंग पर्पज़ के लिए वो विंडो क्लोज़ करके दूसरी विंडो ओपन करते हो फ़ोन में, और पोर्टल अगर बंद हो गया,
तो भाई इसके लिए आप जिम्मेदार हो गए। आप इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि सर ये पोर्टल क्यों बंद हो गया, ये SOL का एरर है। नहीं जी, ठीक है, जो चीज़ें हैं थोड़ा सा उसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली, ठीक है। एक डिवाइस से आप सिर्फ एक ही पोर्टल जो आपका होगा वही लॉगिन कर सकते हो, और अपना पोर्टल मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन मत करो, सिर्फ एक ही डिवाइस में लॉगिन कीजिएगा एक टाइम पर। और जब भी आप पोर्टल्स का काम आपका ख़त्म हो जाए तो पोर्टल को लॉग आउट करिएगा। अगर लॉग आउट करना भूल जाओ तो ब्राउज़र की जितनी भी विंडो होती हैं सभी को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि पोर्टल अगर लॉगिन रह गया बाद में आप लॉगिन करने जाओगे तो वो एरर दिखाता है, फिर पासवर्ड दोबारा रिसेट करते रहो। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी भी ईमेल आईडी मिलेगी, थोड़ा सा अगर आप चाहो तो क्वेश्चन पेपर भेज सकती हो, क्योंकि इस बार भी 2 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे, बेस्ट ऑफ 2 काउंट होंगे। तो आप चाहो तो ईमेल पर मुझे क्वेश्चन पेपर भेज सकते हो, प्रॉपर PDF बनाकर भेजिएगा, ठीक है। बाकी यही इंटरनल असेसमेंट की गाइडलाइंस थी, अपडेट थी। जिनका पासवर्ड रिसेट नहीं हो रहा प्लीज़ प्रॉपरली ट्राई कीजिए, और फिर भी नहीं होता तो ईमेल आईडी जो गिवन है उस पर आप लोग ईमेल डाल सकते हो। बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरनल असेसमेंट, और इस इंटरनल असेसमेंट के पानी में बिल्कुल डूब मत जाना, क्योंकि थ्योरी पेपर भी आ रहे हैं, उनकी भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। एक बार असेसमेंट कर लिया, ठीक है जी कितने मार्क्स आए, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, अगली कहानी लेकर आओ, अगला असेसमेंट करो, फिर आगे बढ़ो, थ्योरी पेपर लेकर आओ, उनकी प्रिपरेशन करो, ठीक है जी। और ये असेसमेंट जो है ना मैंडेटरी होते हैं सभी बच्चों के लिए, ये नहीं दोगे तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके जो परसेंटेज है, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और काफ़ी बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि सर मेरा ER का कैसे सेकेंड सेमेस्टर का, तो क्या उसका भी असेसमेंट देना होगा? अगर पोर्टल में शो हो जाता तो दीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं, मेरे हिसाब से नहीं देना होगा। अगर फिर भी पोर्टल में शो होगा तो उसको दे दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।